केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान विरोधी ज्वाला अब बिलासपुर में भी भड़क उठी है। बिलासपुर मुख्यालय में अखिल भारतीय किसान सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसानों ने एकत्रित होकर चंपा पार्क तक विरोध रैली निकाली। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार मुर्दाबाद सहित किसान विरोध बिल को वापस लेने की मांग उठाई है। नगर के चंपा पार्क में एकत्रित होकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती किसानों पर ये बिल थोप रही है, जबकि किसान इन बिलों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके ये बिल पास करना चाहिए, क्योंकि अंततः ये बिल किसानों पर ही लागू होने हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है, तब तक अखिल किसान सभा बिलासपुर पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि अधिनियमों को रद्द करना चाहिए, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अति आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन को वापस लेना चाहिए, ताकि किसानों को इन बिलों से पेश होने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर बिलासपुर जिला भर के किसान मौजूद रहे। किसानों का समर्थन करेंगे और ये चाहेंगे कि तीनों कानून जो है और अध्यादेश जो दूसरे हैं, इनको अगर वापस ले लेंगे तो मैं कहता हूँ ये किसानों के साथ बहुत बड़ी होगी। के अंदर हैरानी इस बात की है कि किसान चाहते नहीं है और केंद्र सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है। जब वो कहते हैं कि एमएसपी हमसे नहीं देंगे नए कानूनों के तहत, तो उसको शामिल क्यों नहीं करते हैं? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसको खत्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ये है कि जो आड़ती है यहाँ के उनको खत्म करो, और उसके बाद अदानी और अडानी जो है ये जो देश के अंदर अंबानी ग्रुप जो है ये पूरे भारत की जमीन को हथियार करके आज पूरे हिंदुस्तान के जमीन का भी मालिक बनना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। हाजिर किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय पूरे देश से आए हुए किसान सरकार के द्वारा बनाए गए तीन कानूनों का विरोध करने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य के अंदर हम दिल्ली के किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं, बल्कि इसको एमिकेबली सुलझाने का प्रयास करें। और किसान चाहते हैं कि हमें ये तीन कानून नहीं चाहिए, तो सरकार इस चीज पर क्यों जोर दे रही है कि हम किसानों के हक में ये कानून बना रहे हैं? जब किसान नहीं चाहते हैं तो सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पर बजीर है, इसके दो ही कारण हम समझ सकते हैं कि है। एक ये हो सकता है कि उन्होंने कानून बनाया, अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहते। इसका मतलब वो अपने फैसले को मतलब जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। या दूसरी बात ये हो सकती है कि उनके ऊपर भी कोई ऐसा दबाव है कि वो इस कानून को वापस लेने से उनको मना कर रहा है, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है किसी के द्वारा कि सरकार वापस ना ले। दो ही कारण मुझे नजर आते हैं। जब लाखों किसान ये खुद कह रहे हैं कि भैया देश की सरकार मोदी सरकार, हम नहीं चाहते इस कानून को, हमारे भले में ये कानून मत बनाओ, हमें ये फायदा नहीं चाहिए, तो इसमें ऐतराज क्या है? सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है, और जनता किसान मजदूर कर्मचारी सब वर्गों से मिलकर बनती है। और जो सरकार जनता चाह रही है कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों थोप रही है कानून को? एक ये प्रश्न इनको बताना होगा। और यदि इसके कानून को वापस ले ले, उसके बाद किसानों से चर्चा करें कि हमने आपके लाभ के लिए यह कानून बनाया है, उनको कन्विंस करवाएं, उसके बाद उसको लागू करवाएं, अध्यादेश को पार्लियामेंट में फिर दोबारा लाएं और उसके ऊपर बहस करके उसको कानून को पास कराएं। लेकिन आपने किसी भी किसान यूनियन से ये तक नहीं पूछा कि आप जो है ये कानून हम आपके लिए बना रहे हैं, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। हर एक्ट के लिए, हर क्या होते अध्यादेश के लिए, हर कानून के लिए जो सरकार होती है वो एक महीने का समय देती है। पूरे देश के अंदर उस पर चर्चा किया, अगर कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को हम देखेंगे, उसके बाद कानून को जो है असली अमली जमा पहनाएंगे। लेकिन यहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं, यहाँ तो पूछा किसी को ही, कानून कैसे बन गया?